एमपी विधानसभा में टैबलेट को लेकर हंगामा मचा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने टैबलेट लौटा दिया है। कमलनाथ ने टैबलेट वापस लौटाने को लेकर कहा कि टैबलेट देना विधानसभा की परंपरा के अनुरूप नहीं है और उन्होंने लैपटॉप से जासूसी और डेटा चोरी होने की भी आशंका जताई है। वहीं गोविंद सिंह ने कहा कि जिस चीन ने गलवान में हमारे सैनिकों की हत्या की, उस देश में असेंबल आईपैड विधायकों को देने का मैं विरोध करता हूँ। क्यों टैब वापस कर दिया, क्या परेशानी है? परेशानी यह है कि भारत के स्वतंत्रता के लिए चीन एक तरह का हमारे साथ दुश्मनी का बर्ताव कर रहा है। हमारे गलवान में हमारे सेना की हत्या की है, हमारे हजारों करोड़ जेल पर कब्जा किया है और भारत सरकार मध्य प्रदेश की सरकार चीन से बने हुए सामान का विरोध करती है और उसकी कथनी करनी में दोनों फर्क है और उसे ही चाइना से बना हुआ टैबलेट असेंबल कमीशन खोरी के चक्कर में मंगाकर सरकार में बैठे लोग उसको अपना रहे हैं। इसके सबके विरोध में मैंने उसको वापस कर दिया। सर, कई विधायक ऐसे हैं आप ही की पार्टी के जो एप्पल का फोन इस्तेमाल करते हैं, खुद कमलनाथ जी के पास। अरे एप्पल का एप्पल करते हैं कमलनाथ जी करते हैं, उनसे पूछिए। मुझे तो केवल इतना जानता हूँ, मैं एप्पल फैपल को मोबाइल जानता हूँ के लिए जवाब देने के लिए। बाकी के एक एप्पल मैं समझता हूँ, जो सुबह रोजाना नाश्ते के साथ एक एप्पल खाता हूँ। कौन सी कंपनी का टैब चाहते हैं? मुझे पता नहीं किस कंपनी का सेवा आता है, सेवा का है, बीजेपी कह रही है कि कुछ है, बीजेपी कह रही है कि कुछ अच्छा किया जा रहा है, उसमें भी आपको परेशानी? भारतीय जनता पार्टी कथनी करने में अंतर है, कहना कुछ करना कुछ। इधर आपके प्रधानमंत्री चाइना पे ऐप लगाते हैं, शिवराज सिंह जी पटाखे पे चीन से बने पे लगाते हैं और इधर उनकी कथनी करने में दो वही बात कर। बता दें कि शिवराज सरकार ने विधानसभा में पेपरलेस बजट पेश किया है, जिस वजह से सभी विधायकों को बजट पढ़ने के लिए टैबलेट दिया गया था। इस पर गोविंद सिंह पहले दिन से ही टैबलेट वितरित किए जाने के खिलाफ थे। उन्होंने बजट की हार्ड कॉपी दिए जाने की वकालत करते हुए कहा था कि विधानसभा में अति पिछड़े और आदिवासी विधायकों को टैबलेट चलाने में समस्या महसूस होगी। फिलहाल अब टैबलेट को लेकर विपक्ष सरकार पर जासूसी कराने की आशंका जता रही है। भोपाल से इजहार हसन खान की रिपोर्ट एमपी तक।